हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। कैसे हो आप सब? आई हो बहुत अच्छे से होगे, बहुत मस्त होगे और अपने अपने फेवरेट कामों में व्यस्त भी होगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लास्ट तक देखा करिए, वीडियो पूरा देखें। तो हमेशा मैं अपना जो भी वीडियो होता है, ख़ासकर जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास जगह की कमी है, पॉट की कमी है, मिट्टी की कमी है, तो आप बहुत छोटे छोटे पॉट में भी बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जिनको आप ग्रो नहीं कर सकते हो। फूलों वाले प्लांट, आउटडोर इंडोर हर प्रकार के प्लांट आप उनमें लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं फिर। ये देखिए, ये लालसा का प्लांट है। देखिए ये देखिए कितना प्यारा सा प्लांट है। आप देखिए अब कितने छोटे से बॉटल में लगा है। ये देखिए ये सदाबहार है। और साथ में ये देखिए मेरा पर्पल वाला, ये बालसम भी इसी में लगा हुआ है। और ये देखिए खाने के डब्बे में लगा हुआ है। ये देखिए ये कितना छोटा सा बॉटल है, इसमें कितना प्यारा सा इसमें अरेलिया लगा हुआ है। ये देखिए सदाबहार के प्लांट आपको कितने प्यारे लग रहे हैं। लगे किस में है देखिए, टोटल वेस्ट बॉटल में। देखिए एक बिल्कुल छोटे छोटे, ये देखिए ये देखिए, इसमें एक ही में दो तीन प्लांट लगे हुए हैं। देखिए आप, दो तीन प्लांट इसके लगे हुए हैं, दो तीन कलर के। आप देख सकते हो कितने छोटे से प्लांटर में लगे हुए। इधर देखिए पर्पल हार्ट, ए बिल्कुल वेस्ट कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में लगा हुआ है। देखिए छोटे से वेस्ट कंटेनर में ही ये सेंसिबेरिया लगा हुआ है। यहाँ भी ये टूटे हुए वेस्ट कंटेनर में ही लगा हुआ है। इधर देखिए कितना छोटा से पॉट है जिसमें कोलिस बहुत सुंदर से चल रहा है। ये देखिए ये गोम फेरना, ये बेस्ट कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में ही चल रहा है। ये देखिए बेस्ट कंटेनर में ही, देखिए ये जीजी प्लांट चल रहा है बहुत अच्छे से बेस्ट कंटेनर में ही। देखिए ये सॉन्ग ऑफ इंडिया चल रहा है बेस्ट कंटेनर में ही। देखिए बेबी डॉल चल रहा है बेस्ट कंटेनर में। ये देखिए सदाबहार के साथ साथ ये डमकेन, और ये देखिए ये सारे कोलियस, और ये गोल्डन डस्ट। ये देखिए ये पूरे बेस्ट कंटेनर में ही चल रहे हैं। ये देखिए बेस्ट कंटेनर में ही ये एग्लोनीमा का प्लांट चल रहा है। और ये देखिए ये रेहू का प्लांट भी, ये देखिए बेस्ट डब्बे में ही चल रहा है। ये बेस्ट कोल्ड ड्रिंक के डब्बों में देखिए पर्सलेन पोर्चुला का कितनी सुंदर फ्लारिंग किए हैं ये। और ये फिर से अभी करेंगे, मैंने कटिंग कर दी है। ये देखिए ये एग्लोनीमा के प्लांट, ये छोटे छोटे पैंट के डब्बों में ही ये चल रहे हैं, कितने प्यारे। और मैं इन्हीं में इनको रखूँगी, इनको मैं चेंज भी नहीं करने वाली। मैं रिपोर्टिंग भी करती हूँ तो फिर वापस मैं इन्हीं कंटेनर में इनको लगा देती हूँ। ये देखिए ये छोटे छोटे जिनको हम कचरों में फेंक देते हैं उसी से, देखिए ये पूरा कॉर्नर सजा हुआ है जिसमें एक रुपये का भी पॉट हमको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। देखिए इधर दीवारों में देखिए ये सिंगोनियम चल रहा है, रेहू का प्लांट चल रहा है, पर्सलेन चल रहा है, ये बेबी सनरोज चल रहा है। आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं ये। ये देखिए बेस्ट डब्बों में ही मैंने ये टावर पूरा रेडी किया था, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए इधर देखिए छोटे छोटे डब्बों बॉटल्स को मैंने कट करके ये वाला टावर भी मैंने रेडी किया था। देखिए कितना प्यारा चल रहा है। देखिए देखिए मैरी गोल्ड, ये बेस्ट कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में ही चल रहा है, ये भी बेस्ट डब्बे में ही चल रहा है। देखिए कितना हेल्दी। ये देखिए बिल्कुल छोटे से शैम्पू के डब्बे में देखिए हैंग कर दिया है मैंने सिंगोनियम। इधर देखिए कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में ये मनी प्लांट, इधर कोलियस, इधर देखिए इस बॉटल में रेडियम। ये देखिए कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में कितना सुंदर से चल रहा है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। देखिए कितना छोटा सा है, देखिए इसमें कितना प्यारा ये कोलियस चल रहा है। देखिए अरेलिया, देखिए ये बेस्ट डब्बे में ही चल रहा है। देखिए ये देखिए ज़मीन में जगह नहीं है तो आप दीवारों में ऐसे हैंग कर सकते हैं। ये देखिए ये अगले सीजन के लिए भी सेफ हो गए और ये हमेशा के लिए परमानेंट हो गए। देखिए तो देखा फ्रेंड आपने
कि कोई 1 रुपये का भी मैंने ना प्लांटर ख़रीदा है, ना उसमें ज़्यादा कोई मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, और सारे प्लांट मैंने कटिंग से ही रेडी किया है। तो बहुत आसान है इजी तरीके से गार्डनिंग करना, तो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें और बहुत आराम से आप आउटडोर इंडोर सभी प्रकार के प्लांट आप छोटे छोटे प्लांटर में, फूलों वाले प्लांट से लेके हर प्रकार का आपने देखा आप ग्रो कर सकते हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर आप अपनाएं। ओके फ्रेंड, बाय।